हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हम सभी लोग इस बात से अवश्य ही वाकई हैं कि प्राकृतिक अनेक प्रकार के रहस्यों से भरी पड़ी है। प्राकृतिक की विचित्रताओं पर जब हम विचार किया करते हैं तो सृजनहार की अद्भुत कारीगरी को देखकर हम चौंकने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते। वनस्पतियों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं। उन्हीं में से एक अजूबा है मांसाहारी पौधों का अजब गजब संसार। नंबर वन, कटपड़ी। दोस्तों, यह पौधा एक घड़े के आकार का होता है जो देखने में बेहद ही आकर्षण होता है और यह अपने अंदर से एक मीठा तरल पदार्थ छोड़ता है जिससे छोटे जीव जंतु कीट मोहित होकर आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। नंबर टू, कोबरा लिली। यह पादक अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान पर पाया जाता है। इसका नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। इसके पत्तियों के ऊपरी हिस्सा फूले हुए गुब्बारे के समान होते हैं जो बेहद ही दिलचस्प होते हैं, जिसके पास एक छोटा सा छिद्र होता है और कीट इसके पत्तियों के पास बैठते हैं जो आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। नंबर थ्री, बटरवर्टस ट्री। इस पौधे का वानस्पतिक नाम पिंगुइकुला है। इस पौधे के फूल अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक होते हैं। इस पौधे की पत्तियाँ चिपचिपी एवं उसके समान द्रव स्त्रावित करती हैं जिससे कीट इनकी ओर खींचे चले आते हैं और जैसे ही कीट इन पर बैठता है तो वह चिपक जाता है और किसी भी तरह दोबारा उड़ नहीं सकता। चिपके हुए कीट का पाचन द्रव कर लेते हैं और इससे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं। नंबर फोर, बीन्स फ्लाई ट्रैप। इस पौधे का वनस्पतिक नाम डायनोमिया मासिकुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभरा सा दरवाजा होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। पत्तों के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं।